चावल का प्रयोग केवल भोजन के रूप में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में कई पूजा पाठ और विशेष अनुष्ठानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ होता है ऐसा चावल जो अखंडित हो और इसे बेहद शुभ माना जाता है। कई बार ऐसे पूजा पाठ होते हैं जो कि बिना अक्षत के पूर्ण नहीं माने जाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल के कुछ दानों से आपकी किस्मत बदल सकती है और कई परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। चावल के अचूक उपाय बहुत कारगर माने जाते हैं। वैसे तो चावलों के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आज मैं आपको 21 चावल के दानों का एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। किसी भी शुभ मुहूर्त या फिर पूर्णिमा के दिन जल्दी उठकर सारे नित्य क्रम से फ्रेश हो जाएं, फिर लाल रंग का रेशमी कपड़ा लें, कुछ चावल के दाने भी ले लें, उनको कलर कर लें। येलो कलर के लिए आप हल्दी भी यूज कर सकते हैं या खाने वाला रंग भी यूज कर सकते हैं। 21 दाने आपको अलग रखने हैं। यह ध्यान रखना है कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब उस लाल कपड़े में 21 चावल के दाने रखकर बांध दें। चावल के दाने की पोटली बनाकर धन की देवी माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उसकी पूजा करें। पूजा के बाद कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में सबसे छुपाकर रख लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी रुकावटें दूर हो जाती हैं। घर पर यदि दरिद्रता का वास होने से पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है, इसके लिए आप चावल को तिल और दूध में मिलाकर किसी शुभ मुहूर्त में हवन कराएं। इस उपाय से घर से दरिद्रता दूर चली जाती है। सोमवार के दिन शिवजी की पूजा करते समय अपने पास आधा किलो चावल रख लें। पूजा के बाद एक मुट्ठी चावल को निकालकर शिवलिंग पर अर्पित करें और बाकी बचे चावल को किसी गरीब व जरूरतमंद को दान में दे दें। ऐसा लगातार 5 सोमवार तक करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नौकरी व्यापार में परेशानी चल रही है तो कौओं को मीठे चावल खिलाएं। इससे नौकरी पेशा और रोजगार से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। शुक्रवार की रात को एक चौकी पर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और शुद्ध जल भर दें। कलश में चावल, दुर्वा और 1 रुपए का सिक्का भी रखें। फिर एक अन्य पात्र में चावल भरकर कलश के ऊपर रखें और श्री यंत्र भी रखें। चौकी के पास एक चौमुखी दीपक जलाकर पूजा करें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मनोकामना पूर्ति की कामना करें। इससे आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इन उपायों को करने से आपकी आर्थिक और धन संबंधी परेशानी दूर होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हों। ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।